हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमटी कैरियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार लेके आया हूँ आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है आपके कंबाइंड यूपीपीसीएल नाइलेट का। ये लास्ट आपका वीडियो है, इसके बाद आपके प्योरली यूपीपीसीएल का चलेगा क्योंकि नाइलेट का आपका एग्ज़ाम संडे को है। सो जो लोग नाइलेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा करें वो। सो मुझसे जितना हो पाया मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करूँ, तो अराउंड नाइलेट के 70% से ऊपर क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। यूपीपीसीएल का चलता रहेगा, अभी 2013 पहले कंप्लीट करूँगा। 3 तारीख को आएंगे आपके, संडे के वीडियो नहीं आएंगे, 3 तारीख को आपका वीडियो आएगा। 3 तारीख से यूपीपीसीएल के 2-3 वीडियो आना शुरू हो जाएंगे डेली। तो सबसे पहले आपके 2 पेपर हुए हैं 13 और 16 में, तो दोनों कवर करूँगा, फिर आपके गेट के चलेंगे। उसके जैसा आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग डेली आपके वीडियो आएंगे। सो ऐसे ही चैनल से बने रहें, आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, कंट्रोल सिस्टम डिस्कस करने वाला हूं, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस, तो 13 to 14 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और सारे आपके मैक्सिमम इसमें 80% आपके गेट के क्वेश्चन हैं, वही रिपीट होके आए हैं आपके नाइलेट में, तो वही क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला हूं। यूपीपीसीएल वालों का भी क्योंकि गेट का सिलेबस है तो वो होंगे ऑफकोर्स रिपीटेड होंगे गेट के सिलेबस आपके। सो गेट के क्वेश्चंस आपके आएंगे, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आप लोग को भी ये बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 50 ये आपके नाइलेट साइंटिस्ट बी 2015 का क्वेश्चन है, 15-16 का। सो यहाँ पे यूनिट स्टेप एरर कोफिशियंट ऑफ ए सिस्टम विथ यूनिटी फीडबैक इज, तो यहाँ से आपको ESS जो कि आपके यूनिट स्टेप एरर कोफिशिएंट जो होता है, स्टेडी स्टेट एरर कह सकते हैं, तो ये आपको बताना है। और आपके ये जो क्वेश्चन है गेट 1995 में भी आया था और आपके सेम रिपीट हुआ 2015-16 में। तो सिंपली ESS जो होता है लिमिट S टेंस टू जीरो S इंटू आर ऑफ S 1+GS, दैट मीन्स कि आपका ट्रांसफ़र फंक्शन। सो सिंपली ट्रांसफ़र फंक्शन आपका जो है, सो ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू, बिकॉज ये यूनिट स्टेप है तो यूनिट स्टेप का जो आपका ये जो आपका आर ऑफ एस है वो यूनिट स्टेप का होता है 1/s, बिकॉज आर ऑफ टी यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज यूनिट स्टेप है तो यू ऑफ टी इसका लेप्लास होता है 1/s। सो सिंपली क्या हो जाएगा, एस इंटू 1/s इंटू यहाँ पे 1/s+6 S+1, SS कैंसिल हो गया, 0 पुट कीजिएगा, 1/6 × 1, दैट मीन्स 1/6 आपका यूनिट स्टेप, ये आपके एरर कोफिशिएंट आ जाएंगे स्टेडी स्टेट। सो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम विथ GS इक्वल टू के अपॉन एस इंटू 1+s। ये भी क्वेश्चन आपके गेट में ही आया था, सिमिलर क्वेश्चन है, एग्जैक्ट डेटा नहीं, उसमें 10% था, इसमें आपके 50% है, बस चेंज इतना ही है। तो ये भी आपके 2015 के साइंटिस्ट बी का, 15-16 के साइंटिस्ट बी का क्वेश्चन है नाइलेट के। सो सबसे पहले आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो सिंपली यहाँ पे गिवेन है आपके जी ऑफ एस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू 1+s × 1+s, ये है आपके। सो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन लेते हैं इसके लिए। करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो कि होता है आपका 1+GSHS, बिकॉज यूनिटी फीडबैक है तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के, ये के यहाँ पे ऐड हो जाता है आपको जब करेंगे, तो ये हो गया। इसको हम कंपेयर करते हैं एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ωns + ωn² से, तो ओमेगा एन क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा एन हो जाएगा आपका रूट के, और जो जीटा हो जाएगा तो 2 जीटा ωn इक्वल टू है आपका 1, सो आपका जीटा हो जाएगा 1/2√k। सो अब यहाँ से हैं आपके कि पीक ओवरशूट 50%, यानी कि परसेंट एमपी आपका गिवेन है, ये पीक ओवरशूट, ये होता है e^-π/√1 − ζ² और ये गिवेन है 50%, यानी 50/100। सो सिंपली क्या होगा कि e^-π/ζ√1 − ζ² इक्वल टू 0.5, लॉग लेते हैं दोनों साइड तो क्या होगा, −π/ζ√1 − ζ² इक्वल टू लॉग
0.5। सो यहाँ से आपका हो जाएगा लॉग 0.5 की वैल्यू होती है 0.6931। सो यहाँ से क्या होगा, और ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो पाई जीटा इक्वल टू 0.6931 वन माइनस जीटा स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर जीटा स्क्वायर इक्वल टू 0.6931 का स्क्वायर और वन माइनस जीटा स्क्वायर। सो यहाँ से पाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 3.14 का होल स्क्वायर सिंपली 9.86 जीटा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6931 का स्क्वायर आपका 0.48 अराउंड आएगा। सो यहाँ से जीटा स्क्वायर आ जाएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा 0.48 जीटा स्क्वायर, और ये बच गया आपका 0.6931 का होल स्क्वायर। सो ये हो गया आपका, ऐड करें तो 10.34 जीटा स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका ये 0.6931 का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा आपका जीटा इक्वल टू 0.6931 अपॉन 10.34, ये वैल्यू आ जाएगा 0.067। तो ये आ गया आपका जीटा की वैल्यू। तो जीटा आपका क्या आ गया, जीटा आ गया 0.067। यहाँ से आपका क्या है कि जीटा इक्वल टू 1/2√k है, आप देख सकते हैं यहाँ से। सो क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा यहाँ से के हो जाएगा आपका, जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो के हो जाएगा आपका 1/2 जीटा स्क्वायर। सो सॉरी 4 जीटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के का स्क्वायर, सो 4 जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से पुट करते हैं के इक्वल टू 1/4 0.067 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा अराउंड 0.556 ऑलमोस्ट। तो ये आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन आपके गेट में भी आया हुआ और कई एक बार क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, गेट में भी रिपीट हुए हैं इस कॉन्सेप्ट पे और दूसरे एग्जाम में भी आए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 39। ये आपके स्टेट स्पेस वेरिएबल एनालिसिस का क्वेश्चन है। प्रीवियस जो दो क्वेश्चन थे वो टाइम डोमेन एनालिसिस के क्वेश्चन थे। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा आपका जो ये जो ऑप्शन गिवन है, और बोल रहा है कि कंट्रोलेबल कौन सा है। तो कंट्रोलेबल के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका ये जो होता है, सो ये होता है आपका ए मैट्रिक्स और ये होता है आपका बी मैट्रिक्स, और यहाँ से होता है आपका एक्स। सो यहाँ से ए मैट्रिक्स आपका हो गया, जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो -1 0 0 -2, और बी मैट्रिक्स की बात करें तो 2 1 आपका हो गया। सो यहाँ से क्या करते हैं क्यूसी, यानी कि ऐसा एज्यूम करते हैं क्यूसी जो होता है वो होता है बी और ए बी, ये ऐसे रखते हैं आपके कॉलम वाइज। सो बी तो हमें पता है, ए बी हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ए बी मैट्रिक्स के लिए -1 0 0 -2, या बी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1, तो सिंपली क्या होगा, ये हो जाएगा -1 × 2 -2 + 0, एंड हेयर इससे इसको करेंगे 0 × 2 0 और -2। तो ये आपका हो गया टोटली आपके क्या हो गए, सो -2 -2 -2 -2। फिर क्या करते हैं, क्योंकि कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी पे आप देखेंगे कि गेट में मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके आए हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं स्टेट स्पेस वेरिएबल एनालिसिस से। तो ये भी नाइलेट के ही क्वेश्चन है आपके, नाइलेट साइंटिस्ट बी का ही क्वेश्चन है। सो सॉरी, इसका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का क्वेश्चन है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 2015-16 का ही क्वेश्चन है, और ये आपके गेट में इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ से क्यू सी बी ए बी है, तो क्यू सी क्या हो जाएगा, बी एज इट इज रख दीजिए 2 1, और ए बी यहाँ पे -2 -2, और इसको देखते हैं कि जो क्यू सी डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्यू सी अगर 0 नहीं है तो ये होगा आपका कंट्रोलेबल, और कुछ नहीं चेक करना है, और अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वो कंट्रोलेबल नहीं होगा। सो यहाँ से सिंपली इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो क्यू सी का डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, सिंपली -2 × 2 -4 + 2, सो सिंपली -2 जो कि 0 नहीं है। सो ये जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ये आपका कंट्रोलेबल है।
कंट्रोलेबल है। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। यह है अ फेज लैग कंपेंसेशन विल बी, आपका जो फेज लैग कंपेंसेटर होता है ये क्या करता है, स्टेबलाइजेज अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। और इसमें हाई टाइप अगर सिस्टम होता है तो जो लैग कंपेंसेटर होता है वो आपका क्या करता है कि स्टेबिलिटी देने में फेल हो जाता है। दूसरी बात है कि बैंडविड्थ सिस्टम का जो बैंडविड्थ होता है इसमें फेज लैग कंपेंसेटर में, बैंडविड्थ आपका डिक्रीज करता है, राइज टाइम आपका इंक्रीज करता है, जो राइज टाइम है वो आपका इंक्रीज करता है, इसमें सिस्टम रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो आपका स्लो हो जाता है, सिस्टम रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। दूसरा बात है कि आपके ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, आपके पैरामीटर वेरिएशन के काफ़ी सेंसिटिव होता है। दूसरा बात है कि इसके स्टेडी स्टेट जो बिहेवियर होते हैं उसको इम्प्रूव करता है। दूसरी बात है कि फेज लैग कंपेंसेशन में कि आपका जीटा जो है, जीटा आपका इंक्रीज करता है, परसेंट ऑफ एमपी ये आपके डिक्रीज करता है, स्टेबिलिटी क्या होता है आपके, स्टेबिलिटी और बैंड भी दोनों आपके इससे क्या होते हैं, डिक्रीज करते हैं। और आपके तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन है तो इसमें इम्प्रूव रिलेटिव स्टेबिलिटी तो ये गलत हो गया, इंक्रीज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ये भी गलत हो गया, बैंडविड्थ आपके डिक्रीज होता है। सो बैंडविड्थ तो आपको इंक्रीज ओवरशूट की बात कर रहा है तो ओवरशूट ही इसमें हो सकता है। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये सारे 40, 41 ये सारे आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो होते हैं, अभी जो पेपर है नाइलेट का तो इसका ही पेपर है और 2015-16 का। सो यहाँ से है, नन ऑफ पोल ऑफ लीनियर कंट्रोल सिस्टम लाई इन राइट हाफ ऑफ एक्सप्लेन फॉर ए बाउंडेड इनपुट द आउटपुट ऑफ दिस सिस्टम। तो ये भी काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो क्या होता है कि लीनियर कंट्रोल सिस्टम में अगर कोई भी पोल आपके RHS एस प्लेन में नहीं है और इंक्लूड करे कि रूट्स जो है जे ओमेगा एक्सिस पे भी हैं, सो क्या होता है कि जो बाउंडेड इनपुट है वो आपका बाउंडेड इनपुट के लिए आउटपुट मे बी अनबाउंडेड, यानी कि मे बी बाउंडेड अनबाउंडेड हो सकते हैं। ऐसे तो कोई भी अगर आपके राइट हाफ एस प्लेन में कोई पोल नहीं है तो सिस्टम स्टेबल होता है, लेकिन इसमें अनबाउंडेड हो सकते हैं, इसलिए कुड बी अनबाउंडेड यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ये भी आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का ही क्वेश्चन है, आपके 2015-16 के नाइलेट के। सो यहाँ से है आपके कि, और ये जो क्वेश्चन है आपके गेट में भी आया था, गेट 1997 में आया था ये क्वेश्चन। सो यहाँ से क्या है, नेगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, तो जो नेगेटिव फीडबैक होता है एम्पलीफायर में क्या करता है, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस डिस्टॉर्शन। इसके बाद आपके नॉइज सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करता है, नॉइज सेंसिटिविटी इसको भी रिड्यूस करता है, नॉइज को रिड्यूस करता है, सेंसिटिविटी रिड्यूस करता है। दूसरा है कि इम्प्रूव सिस्टम बैंडविड्थ, सिस्टम बैंडविड्थ को इम्प्रूव करता है, सिस्टम बैंडविड्थ को इम्प्रूव करता है। एंड इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस भी इम्प्रूव होता है, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस इसको भी इम्प्रूव करता है। और आपका क्या होता है कि तो जो नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का है तो डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, नॉइज रिड्यूस करता है, सेंसिटिविटी रिड्यूस करता है, इम्प्रूव करता है आपके सिस्टम बैंडविड्थ और इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस को इम्प्रूव करता है। यहाँ से है रिड्यूस बैंडविड्थ नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इम्प्रूव करता है, डिस्टॉर्शन इंक्रीज करता है, डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है, नॉइज को रिड्यूस करता है, तो आपका रिड्यूस गेन, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम हैज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है आपके, वो है जी ऑफ एस, ये है आपके 4 1+2s अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 2। बोला इफ द इनपुट टू द सिस्टम इज ए यूनिटी रैंप, जो इनपुट है वो है आपका यूनिटी रैंप है, रैंप मीन्स उसका इनपुट का क्या हो गया ऑर्डर आपका t^1 होता है, सो ये 1 हो गया इसका। और ये बोल रहा है कि सिस्टम इज ए यूनिटी रैंप द स्टेडी स्टेट एरर विल बी, तो एक मैं आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ, ये आपका क्वेश्चन गेट
1991 में भी आया था, और नाइलेट के साइंटिस्ट बी 2016-17 में आया था। सो गेट 1991 में 2 मार्क्स के लिए आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक्स आपको बता देता हूँ कि अगर जो टाइप है, टाइप आपका ग्रेटर हो इनपुट से, तो ESS आपका 0 होता है। टाइप आपका इक्वल हो इनपुट से, तो ESS कांस्टेंट होता है, आपको कोई वैल्यू देगा, और आपके कोई वैल्यू देगा आपको, कांस्टेंट वैल्यू देगा। और अगर टाइप आपका लेस देन इनपुट होगा, तो सिंपली आपको ESS जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। सो यहाँ से आपका क्या है कि जो यूनिट रैंप है टाइप, ये 1 है, और यहाँ से जो ये टाइप है इसका पावर, एस का पावर 2 है। सो सिंपली ये आपका है 2, यानी इनपुट का आपका टाइप 1 है और इसका 2 है। सो जो टाइप है 2 ग्रेटर देन है आपके 1 से, सो ESS डायरेक्ट 0 होगा। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक्स है। और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व सिंपली सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है स्टेडी स्टेट एरर रैंप के लिए, तो के भी लेते हैं, वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, तो ये होता है आपका लिमिट एस टेंस टू 0 एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। तो यहाँ से जब आप लेंगे तो लिमिट एस टेंस टू 0 एस इंटू, ये फंक्शन पुट कीजिएगा, 4 1 प्लस 2 एस अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस 2। तो यहाँ से एक एस तो कैंसिल होगा, अपॉन में एक एक्स्ट्रा एस है, तो एनीथिंग, तो ये एस को जब 0 पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू देगा आपको इन्फिनिटी। सो के भी आपका क्या आ गया, के भी आपका आ गया इन्फिनिटी। तो जो ESS होता है वो होता है ए अपॉन के भी, तो ए अपॉन इन्फिनिटी, तो डायरेक्टली 0। तो इससे भी 0, और आपके मेथड से भी 0, और जो आपका ट्रिक है उससे भी 0। सो आंसर आपका ए यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73, ये आपके नाइलेट साइंटिस्ट बी, इसके लिए आया 2016-17 में, और ये गेट में आया, गेट में आपके 2014 में आया है। तो ये बोल रहा है आपका कि इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ हूँ कि सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सिग्नल फ्लो ग्राफ से कीजिए सॉल्व। तो सिंपली जो ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस होगा, तो पहले क्या लेते हैं, फॉरवर्ड पाथ लेते हैं। तो पहले यहाँ से आपका फॉरवर्ड पाथ एक आ रहा है, तो सिंपली जी वन जी टू प्लस एक देख सकते हैं, यहाँ से आपका ऐसा आ रहा है और फिर ऐसा जा रहा है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से आया जी टू, तो जी टू, फिर देख सकते हैं एक यहाँ से आया और ये डायरेक्टली चला गया, तो ये कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो +1। और अपॉन में 1 माइनस लूप लेते हैं, नॉन टचिंग लूप, तो कोई भी लूप यहाँ बन ही नहीं रहा है, तो 0। तो सिंपली आपका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा जी वन जी टू प्लस जी टू प्लस 1। सो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, गेट 2014 में भी आया, और सेम नाइलेट साइंटिस्ट बी में 2016-17 में रिपीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, इसमें बोल रहा है आपका, ये भी नाइलेट साइंटिस्ट बी का 2016-17 का पेपर है, क्वेश्चन है। सो इसमें आपको पूछ रहा है कि ओपन लूप डीसी गेन ऑफ यूनिटी निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो जब भी डीसी गेन पे क्वेश्चन पूछे, चाहे वो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड हो, यानी ओमेगा के टर्म में हो, चाहे जेड ट्रांसफॉर्म में हो, चाहे जिसमें भी हो, तो डीसी गेन जब भी होगा तो सिंपली आपको ओमेगा को 0 पुट करना है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जब एस होगा तो ओमेगा को जब आप पुट कीजिएगा 0, दैट मीन्स जे ओमेगा एस इक्वल टू क्या होता है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म में एस होता है आपके जे ओमेगा के इक्वल, तो ओमेगा पुट कीजिएगा, दैट मीन्स कि एस को 0 पुट करना है। तो डीसी गेन में सिंपली जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है उसमें 0 पुट कर देना है, दैट मीन्स कि लिमिट ले लेना है एस टेंस टू 0 फॉर डीसी गेन, फॉर एस टेंस टू 0 एस प्लस 4 जो आपका फंक्शन है एस स्क्वायर प्लस 7 एस प्लस 13। जब 0 पुट कीजिएगा तो 0 प्लस 4 0 प्लस 0 प्लस 13 सिंपली 4/13। सो आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 102, ये भी आपके नाइलेट सेम पेपर साइंटिस्ट बी का पेपर है 2016-17, और सेम आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गेट 2014 में, अगेन गेट 2014 में पूछा है ये भी क्वेश्चन।
सो यहाँ से है कि फॉर क्लोज लूप सिस्टम सोन बिलो नेचुरल फ्रिक्वेंसी इज, तो सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो ये क्या होता है आपके कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो वन प्लस जी एस एच एस, तो सिंपली क्या होगा कि वन प्लस ये फोर अपॉन एस इंटू एस प्लस फोर, सो सिंपली ले लेते हैं हम यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस आपके फोर एस प्लस फोर इक्वल टू जीरो, जी एस एच एस होता है जीरो, तो ये लेते हैं हम और इसको इक्वेट करते हैं किससे, एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इक्वल टू जीरो सेकेंड ऑर्डर के लिए। सो इसमें से कंपेयर कीजिएगा तो ओमेगा एन स्क्वायर किसके इक्वल है आपके फोर के, तो ओमेगा एन हो गया टू, सो सिंपली टू रेडियन पर सेकेंड, सो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन और देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टाइम डोमेन एनालिसिस से है, तो टाइम डोमेन एनालिसिस आप लोग अच्छे से कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर आते हैं। ये भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117, ये भी आपके नाइलेट के ही क्वेश्चन है साइंटिस्ट बी 2016-17 के, और सेम ये क्वेश्चन आपके गेट 2008 में आया था एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसा है। सो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा किसका होगा। सो पी की बात करते हैं तो जो पी है आपका 25 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 है, दैट मीन्स एस है ही नहीं, दैट मीन्स कि जीटा जीरो है, और जीटा जीरो है दैट मीन्स कि जो आपका पी है अनडैम्प्ड सिस्टम है, अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो अनडैम्प्ड सिस्टम है, तो ये देख सकते हैं ये आपका अनडैम्प्ड है, तो इसका क्या हो गया आपका पी। नेक्स्ट क्यू की बात करें तो Q क्या है आपका 36 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 20S प्लस 36, इक्वेट किससे करना है हमें एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर से इक्वेट करना है हमें इसको, सो सिंपली ओमेगा एन क्या हो गया आपका 6 हो गया, बिकॉज ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 36 तो ओमेगा एन 6, 2 जीटा, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू यहाँ पे है आपका 20 है 20, सो जीटा इक्वल टू क्या हो गया 20 अपॉन ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन 6, 20 अपॉन 12 हो गया, सो ये आपका आएगा 1.67, जो कि जीटा ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स कि ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, ओवर डैम्प्ड सिस्टम है, तो जीटा अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम होता है, जीटा इक्वल टू 0 है तो अनडैम्प्ड होता है, जीटा इक्वल टू 1 होता है तो क्रिटिकल डैम्प्ड होता है, जीटा इक्वल टू लेस देन होता है तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होता है। सो सिंपली ओवर डैम्प्ड सिस्टम यहाँ पे देखना है हमें कौन सा है, ये आपका देख सकते हैं ये आपका ओवर डैम्प्ड सिस्टम है 4, तो 4 क्या हो गया आपका क्यू। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये 36 एस स्क्वायर प्लस 12 एस प्लस 36, तो आर की बात करें तो जो आर है ये है आपके इसका सिंपली मैं इक्वेशन लेता हूँ ये वाला एस स्क्वायर प्लस 12 एस प्लस 36, ओमेगा एन अगेन यहाँ पे 6 हैं, जीटा क्या हो जाएगा ये 2 जीटा ओमेगा एन 12 हैं तो 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ 6 ये हो गया 1, सो इसमें आपका जीटा हो गया 1, दैट मीन्स कि ये क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड, तो क्रिटिकली डैम्प्ड आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है आपका क्रिटिकल डैम्प्ड है, सो यहाँ से आपका जो R है R का आपका 1 हो जाएगा, 1 का R लास्ट बचा तो लास्ट में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, सो यहाँ से आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 64, ये भी आपके साइंटिफिक असिस्टेंट नाइलेट का ही क्वेश्चन है और ये भी गेट 1991 का में आया था 2 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे है कि जो जी एस एच एस है ये है 1 अपॉन s+1 का होल क्यूब, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि इसको गेन मार्जिन के लिए ओमेगा पी सी कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए पहले आपका इसका फेज एंगल निकालना पड़ेगा, सो यहाँ पे एस प्लस वन का क्या होगा जे ओमेगा प्लस वन ऐसा करते हैं, सो टेन इन्वर्स ये आपका हो जाएगा सिंपली ओमेगा, टेन इन्वर्स ओमेगा अपॉन वन, सो ओमेगा को रिप्लेस करेंगे ओमेगा पी सी से तो टेन इनवर्स ओमेगा पी सी, और ये क्योंकि 3 है तो 3 और ये ऐसा है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन है तो ये सिंपली 1 का क्या होता है 0,
तो जब एंगल में क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 tan इनवर्स ओमेगा पी सी। और ये हम इक्वेट करते हैं किससे, जो आपका ये आया है फेज उसको इक्वेट करते हैं -180 डिग्री से। सो ये हो गया टेन इनवर्स ओमेगा पी सी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, तो 60 डिग्री। सो ओमेगा पी सी इक्वल टू 10 60, सो 10 60 इज √3। सो ओमेगा पी सी आपका आ गया √3। तो फिर जो जी एच होता है, ये हम लेते हैं, जिसको एक्स अगर जूम करें तो ये अपन 1 अपॉन जो आपका है गेन के लिए, तो सिंपली क्या है ये 1 प्लस, इसको जब आप रिप्लेस कीजिएगा तो जे ओमेगा प्लस 1 का होल क्यूब है। तो आपका इसका मतलब मैग्नीट्यूड लेना होता है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स ओमेगा पी सी का स्क्वायर प्लस 1 का पावर है यहाँ पे 3। सो यहाँ से ओमेगा पी सी है आपका √3, सो √3 का स्क्वायर प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर है आपका 3, और ये अंडर रूट में है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1 4, तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 का पावर 3, स्क्वायर रूट 4 होता है 2, तो 2 का क्यूब, सो ये हो गया 1 अपॉन 8। और जो गेन मार्जिन होता है ये होता है 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ GH, तो ये चाहे 1 अपॉन ये x, तो सिंपली 1 अपॉन 1 अपॉन 8, सो 8 हो जाएगा आपका गेन मार्जिन, हो जाएगा सिंपली 8। तो सिंपल क्वेश्चन है, सो ऑप्शन सी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये भी देख सकते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स नाइलेट का क्वेश्चन है 2017 का, और ये सेम क्वेश्चन आपके गेट 2013 में आया। टॉपिक है आपके स्टेट स्पेस वेरिएबल एनालिसिस का टॉपिक है। सो सिंपली ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें जूम कर लेते हैं कि ये x1 है, ये x1 डॉट है बिकॉज 1/s इंटीग्रेटेड लग रहा है, और ये आपका x2 है और ये x2 डॉट है। सो यहाँ से अब हम इक्वेशन लेते हैं कि क्या होता है। तो इक्वेशन आपका x1 डॉट इक्वल टू, देख सकते हैं x1 डॉट के लिए क्या है आपके, यहाँ से ये x1 डॉट है तो देख सकते हैं -ऑफ x1, तो सिंपली -ऑफ x1, और u देख सकते हैं u भी माइनस से आ रहा है, सो -ऑफ u। x2 डॉट का लेंगे तो x2 डॉट क्या है, देख सकते हैं x2 डॉट कहाँ से आ रहा है, तो एक आ रहा है x1 डॉट, यहाँ फिर से माइनस है, तो -ऑफ x1 डॉट और आपके x2 -ऑफ x2। तो x1 डॉट आपका क्या है, -ऑफ -x1 -u -ऑफ x2, तो सिंपली क्या हो गया x1 + u -ऑफ x2। दैट मीन्स कि जो x2 डॉट का आपका इक्वेशन आया वो आया आपका x1 - x2 + u। अब इसको क्या करते हैं, और y क्या है, तो y ये y है, तो y डायरेक्टली आपका x2 डॉट है, तो सिंपली y इक्वल टू क्या है x1 - x2 + u। अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो x1 डॉट x2 डॉट, तो ये जो क्वेश्चन था उसमें तो दो पार्ट में क्वेश्चन था आपके, तो इसको एक कंबाइंड पार्ट में एक क्वेश्चन में पूछा है, वो 4 मार्क्स का था उसमें गेट में, और ये आपके 1 मार्क्स के लिए पूछा है इसमें। सो x1 डॉट x2 डॉट, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो x1 डॉट में देख सकते हैं कि आपका है -x1 - u है x1 डॉट में, एक ये है, तो x1 का कोफिशियंट आपका -1, तो x2 का कोफिशियंट 0, और x2 डॉट में देखेंगे तो x1 का कोफिशियंट 1, x2 का कोफिशियंट -1, तो ये आपका हो गया एक मैट्रिक्स, इसको लिखते हैं ऐसा x1 x2, और प्लस u का कोफिशियंट देख लेते हैं, इसमें आपका क्या है -1 है क्योंकि -u है, और इसमें आपका +1 है, तो ये +1 यहाँ पे u ऐसा लिखते हैं। दैट मीन्स आपका इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ए मैट्रिक्स आपका ये होता है, सो ए मैट्रिक्स आपका हो गया -1 0 1 -1, और जो आपका बी मैट्रिक्स है वो आपका है -1 1 है। सो यहाँ से ए मैट्रिक्स का ही हम करते हैं, SI - A लेते हैं बिकॉज स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए हमें वही चाहिए, SI - A। तो SI - A के लिए मीन्स कि आपका डायरेक्टली क्या करते हैं कि S में उसको, ये यूनिट मैट्रिक्स होता है I, तो यूनिट मैट्रिक्स कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो सिंपली ये सब आ जाएगा SS में आ जाएगा, और -A तो S + 1 ये वाला, ये आपका S आएगा,
ये आपका जीरो, सॉरी जीरो आएगा, यहाँ से आपका माइनस वन, यहाँ से आपका एस प्लस वन, बिकॉज यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, वन जीरो जीरो वन, तो एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस ऐसा आएगा, माइनस ऑफ ए करेंगे तो देख सकते हैं एस प्लस वन और यहाँ से एस प्लस वन, तो ये आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, एस आई माइनस ए जो मैट्रिक्स आपका होता है उसका हम लेते हैं इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं उसके किससे, तो डिवाइड कर देते हैं उसके आपके डिटर्मिनेंट से। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स इसका लेंगे तो डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, एस प्लस वन इंटू एस प्लस वन, दैट मीन्स की और माइनस ऑफ जीरो, तो एस प्लस वन का होल स्क्वायर सिंपली। और ये जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आपका इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये एस प्लस वन सिंपली, एस प्लस वन ऐसा ही रहेगा, ये दोनों रिप्लेस होता है और साइन का चेंज हो जाता है, तो ये आपका जीरो और यहाँ से माइनस वन है तो इसका साइन चेंज होता है, तो ये आपका प्लस वन हो गया और यहाँ एस प्लस वन, बिकॉज दोनों सेम ही है। तो अब ये जाएगा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, सो ये क्या हो गया आपका एस प्लस वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर, फर्स्ट वाले में नीचे एस प्लस वन का होल स्क्वायर, ये आपका जीरो और ये आपका हो गया वन अपॉन एस प्लस वन, ऐसा मैट्रिक्स आया आपका। इसको क्या करते हैं फिर, फाई ऑफ टी जो होता है, फाई ऑफ टी ये ले लेते हैं ई रेज टू पावर ए टी, और ये होता है लेप्लास इन्वर्स, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस आई माइनस ए का इन्वर्स। सो इसका लेप्लास, तो इसका आप लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, सो लेप्लास इन्वर्स वन अपॉन एस प्लस वन का, तो इसका इन्वर्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये जो आपका मैट्रिसेस है इसका इन्वर्स ले लेता हूँ, सो फाई ऑफ टी ये जो है आपका ई ऑफ ए टी, तो यहाँ से जब इन्वर्स लेंगे तो वन अपॉन एस प्लस वन का इन्वर्स ई रेज टू पावर माइनस टी, और जीरो का तो आपका जीरो ही होगा, वन अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो टी से मल्टीप्लाई, तो टी ई रेज टू पावर माइनस टी, और ये वन अपॉन एस प्लस वन तो ई रेज टू पावर माइनस टी, तो यहाँ से आपका देख सकते हैं ई रेज टू पावर माइनस टी जीरो, टी ई रेज टू पावर माइनस टी, ई रेज टू पावर माइनस टी, ऑप्शन ए। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था इसमें जो पूछा था, एक्चुअली ये दो पार्ट में क्वेश्चन पूछा था आपके गेट में, दो दो मार्क्स के लिए, फोर मार्क्स का एक क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे एक मार्क्स के लिए पूछा, तो काफ़ी ये लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके स्टेट स्पेस वेरिएबल एनालिसिस के लिए। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। सो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बाकी आपको फिर से UPPCL के जितने भी क्वेश्चन हैं कंट्रोल सिस्टम के, वो आपके मंडे से आपके आएंगे, यानी कि 3 दिसंबर से रेगुलरली एक दो वीडियो आपके डेली टेक्निकल के आएंगे, बाकी नॉन टेक वाले सब्जेक्ट्स के भी आएंगे। सो ऐसे ही चैनल से आप लोग बने रहें, और जो लोग NILET के एग्जाम दे रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टे ट्यून्ड CMT।